22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, अ प्लेस टू इमेजिन, इन्वेंट एंड इंस्पायर। NSIT अम्हारा बेटा पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पटना साहिब लोकसभा सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट है और कहा जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी है। राजनीतिक साख बीजेपी की दांव पर है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जो लंबे वक्त से यहां से सांसद रहे हैं, 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। बीजेपी के खाते में यह सीट शत्रुघ्न सिन्हा डालते रहे हैं। वही शत्रुघ्न सिन्हा के रिश्ते जब बीजेपी से तल्ख हुए तो वे कांग्रेस के साथ हुए और कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। जाहिर है बीजेपी की चुनौती यह होगी कि 2019 में इस सीट को भी अपने खाते में रखा जाए, रविशंकर प्रसाद की जीत सुनिश्चित की जा सके। रविशंकर प्रसाद के लिए भी यह लड़ाई नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि मुकाबला शत्रुघ्न सिन्हा से है। पटना साहिब सीट को लेकर एक दिलचस्प खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि यह सीट कितनी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए, उसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि 2 पार्टी अध्यक्षों के बीच की लड़ाई बन गई है यह सीट। यानी कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आप जानते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रविशंकर प्रसाद के पक्ष में रोड शो करके जा चुके हैं। पटना में अमित शाह का रोड शो हुआ है और अब हमारे पास खबर है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के लिए रोड शो करने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता पटना में डेरा जमाए हुए हैं। सुबोध कांत सहाय जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, महागठबंधन के दूसरे नेता मुकेश सहनी, तो देर रात तक बैठक चली है। हमारे पास जो खबर है सुबोध कांत सहाय के साथ, मुकेश सहनी के साथ, और मुकेश सहनी भी रोड शो करने वाले हैं शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में। तो पूरी ताकत झोंक रखी है कांग्रेस ने और कहा जा सकता है कि ये लड़ाई बिल्कुल कांटे की है, टक्कर का मुकाबला है और दोनों राजनीतिक खेमों की ओर से, NDA की ओर से, महागठबंधन की ओर से पूरी ताकत झोंक रखी है। मुकेश सहनी को पटना साहिब का प्लान सेट करने की जिम्मेवारी दी गई है। देर रात तक बैठक चली है शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मुकेश सहनी की। सुबोध कांत सांत माफ कीजिएगा कांग्रेस के कद्दावर नेता सुबोध कांत सहाय भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं, जो हमारे पास खबर है। तो बिल्कुल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का जमावड़ा पटना में, महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा पटना में, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी खुद शत्रुघ्न सिन्हा के लिए रोड शो करने वाले हैं और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पटना बुला लिए गए हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता सुबोध कांत सहाय, सरीखे नेताओं के साथ बैठक चल रही है, मुकेश सहनी के साथ बैठक चल रही है शत्रुघ्न सिन्हा की। जाहिर है दोनों के लिए यह सीट महत्वपूर्ण है, दोनों अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद हो, चाहे कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा हो। और बिल्कुल यह लड़ाई भीषण बन गई है पटना साहिब की सीट, बिल्कुल हाई प्रोफाइल मुकाबला और 2 हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के बीच में। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।